नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं फर्रुखनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, केपी चौधरी जी का ये फार्म है। ये पिछले 2 साल से बकरी पालन के साथ साथ देसी मुर्गी पालन और मछली पालन भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपको केपी चौधरी जी से और जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय दो हमारे दर्शकों को। भैया मैं ये जगह है फर्रुखनगर, ज़िला गाज़ियाबाद में पड़ती है और मैंने यहाँ पे 2 साल से ये काम किया है। कुछ मुर्गी पाली हैं, कुछ बकरी पाली हैं, बायोफॉक्स टब भी लगाए थे पहले जी, उनमें भी हमने बेनिफिट लिया है जी। अभी सर्दी पड़ी हुई है इसलिए वो थोड़े अभी बंद करे हुए हैं टब। अभी आपने यहाँ पे छोटे स्केल पर आपने गोट फार्मिंग कर रखी है, साथ में अपने देसी पोल्ट्री भी है और अपना पौंड भी है। पौंड भी है जो अपना इनलैंड फिश फार्मिंग है, वो भी कर रहे हैं। तो 3 मॉडल और बहुत छोटे स्केल से कर रहे हो, तो क्या प्लानिंग है आपकी आगे इसकी? इसकी प्लानिंग यही है कि आगे इसको जैसा भी हमें अच्छा माहौल लगेगा इसका जी, उसको बढ़ाएंगे। अभी हमारा कुछ नुकसान भी हुआ था, जैसे सर्दी एकदम आई है जी, हमें मालूम नहीं था कि इतनी सर्दी आ जाएगी इस तरह से ये जी। और पहला चांस भी था करने का, ये भी नहीं था कि हमें पता नहीं था कि ये बकरी इतनी ठंड झेल पाएंगी या मुर्गी झेल पाएंगी या मछली झेल पाएंगी जी। उस पर भी हमने काफ़ी ध्यान दिया है, उसके लिए हम नया कुछ तब्दील करेंगे सेट को अपनी को जी, जो नुकसान ना हो हमें। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ एरिया भी ठीक ठाक है आपके पास, कितना लैंड है ये? ये करीबन हमारे पास 3 बीघे हम लैंड यूज कर रहे हैं इसे जी जी। उसमें कुछ में हमने बरसम भी हुई है, किसी में जई बोई हुई है, कुछ में हमने फार्म बनाया हुआ है, बायोफॉक्स टब लगाए हुए हैं, रूम भी है उसमें हमारे जो लेबर रहती है जी जी, लेबर रूम भी है, लेबर रूम भी है। तो ये आपने बाउंड्री कर रखी है, जो आपने बैम्बू से बाउंड्री कर रखी है, बांस का प्रयोग कर रखा है। कितना एरिया है फार्म का आपका अंदर अंदर? ये करीबन 800 स्क्वायर फीट एरिया है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये सब चीज़ें करते हुए? ये करते हुए हमें करीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से कर रहे हैं? 2 साल में हम इस पर प्रैक्टिकली चल रहा हमारा ये जी जी, और हमने बेनिफिट अब लेना स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में जी जी, क्योंकि जो नुकसान होते हैं शुरू शुरू में ज्ञान नहीं होता तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है जी। अब हमें हर चीज़ का दवा का ज्ञान हुआ है, बच्चों का ज्ञान हुआ कि कैसे रखे जाएंगे, बकरियों का ज्ञान हुआ कि कैसी लेनी चाहिए कैसे रखनी है। यहाँ पे हम एक बकरा ले आए थे तोता परी राजस्थान से जी जी, वो ठंडी नहीं सहन कर पाया यहाँ पे, बीमार हो गया। अभी कौन सी ब्रीड है अपने पास गोट की? अभी हमारे पास देसी बर्बरी है, देसी है, इसमें 2-3 ब्रीड है हमारे पास। अच्छा, मतलब आपने कोई पर्टिकुलर ब्रीड पे काम नहीं करा अभी? पर्टिकुलर ट्रायल ही है कि इसमें ब्रीड हमारे यहाँ कौन सी कामयाब रहेगी जी। आपने फर्रुखनगर में फार्म बना रखा है? हाँ जी। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर, मेरा घर सयाबाद में पड़ता है जी जी। करीबन कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से करीबन अगर हम एक शॉर्ट रास्ता है वो तो 6 किलोमीटर है जी जी, और थोड़ा सा एक अच्छा रोड है उस पर जाएँ तो करीबन 16 किलोमीटर है। तो 2 साल से आपने मतलब यहाँ अच्छी पूंजी भी लगाई है और प्लस रोज का आना जाना अप डाउन, तो किसी तरीके का आपको फ़ायदा यहाँ से हो रहा है फार्म से? अभी लमसम चल रहा है मामला जो भी है। तो विचार कैसे आया फिर इसे करने का? विचार करने का यही है कि कुछ हमारे दोस्तों से हमने राय ली। तो कितना 2 साल पहले कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 2 साल पहले मैंने करीबन इसमें 3 लाख रुपए किया था। 3 लाख रुपए लगा के आपने मतलब, और लैंड का अलग है? लैंड का अलग है, लैंड मेरी अपनी पर्सनल है, मैंने काफ़ी 10-15 साल पहले ली थी जी। तो ये लैंड मेरे पास 20 बीघे यहाँ पर अपनी लैंड है जी जी। अगर कार्य अच्छा रहेगा तो बढ़ाएंगे इसको और भी, और स्तर पे बढ़ाएंगे बढ़िया। ये तो आपका फार्म है और 2 साल से आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ काम देख रहे हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मेरे पास कुछ खेती बड़ी भी हैं जी जी, मैं खेती करता हूँ जी, जो मोजना के क्षेत्र में मैंने ली हुई है जी जी जी। और जहाँ पे मैं सयाबाद में रहता हूँ वहाँ मैंने कुछ क्वार्टर बनाए हुए हैं किराएदारों के लिए, उससे भी कुछ मुझे बेनिफिट है, रेंट इनकम है। रेंट इनकम है जी जी। कुछ मैंने पुराने टाइम में कुछ प्रॉपर्टी का काम किया था जी जी, उससे भी कुछ इनकम आई थी जी। अब हम फिलहाल एक ही काम कर रहे हैं, यही फार्म का। तो जैसे 3 मॉडल चल रहे हैं अभी यहाँ पे, गोट फार्मिंग भी है, फिश फार्मिंग भी है और पोल्ट्री भी है, तो इसमें आपको बढ़िया कौन सी लगी हो कि लगा भाई हाँ भाई इसमें आगे 2 साल का ट्रायल? बढ़िया तो सभी हैं, अगर कामयाबी मिल जाए इनमें। कामयाबी वजह क्या है, तो हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा बिगड़ रहा है, बार बार लॉकडाउन या बीमारी चल रही है, नहीं तो काम तो बढ़िया है। मुर्गियाँ अंडे देती हैं जी जी, इनके आप बच्चे काटो मशीन लगा के, काफ़ी बड़ा बेनिफिट है जी जी।
आपने लिया बेनिफिट? बेनिफिट लिया है मैंने इनसे, 50 बच्चे काटे हैं मैंने इनसे। जी जी हाँ। मतलब अगर आप इसी एक मॉडल पे काम करें ढंग से हाँ। तो आपको लगता है कि इसमें ना है, बिजनेस तो सही है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। पर बिजनेस एक तो मौसम की वजह से, कई सिस्टमों की वजह से मौसम काम कर नहीं पा रहे हैं। जी जी ये दिक्कत आ रही है। तो फिश फार्मिंग भी चल रही है आपकी? हाँ फिश फार्मिंग भी चल रही है। अभी कौन सी फिश है आपके पास? मेरे पास अभी इसमें फंगास है। जी जी छोटे स्तर पर है तो छोटा ही बेनिफिट आएगा, बड़े स्तर पर आएगा तो बड़े बेनिफिट आएगा। पर मेरा मानना ये है कि कम से कम ये 50 बीघे में किया जाए फिश फार्म तो बेटर रहे। छोटे स्केल में तो आप लमसम ही रह जाते हैं। जी जी। तो फिर भी अंकल जी जैसे 2 साल का टाइम बहुत होता है किसी भी काम को समझने में, चालू होने में। पहले तो हमने बात सुनो, 1 साल तो हमने बायोफॉक्स में बिता दिया। अच्छा वहाँ पे? हाँ। अब 4-5 महीने मैंने बकरियों में बिता दी। तो मतलब पर्टिकुलर एक चीज में आपको कोई 2 साल नहीं हुए? ना ना ना, अलग चीजें करी। ना ना ना, अलग अलग। तो बायोफ्लोक का क्या मतलब, मैं देख रहा हूँ आपके पास टैंक भी है अभी, बायोफ्लोक में क्या हुआ? बायोफ्लोक में क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये कवर होना चाहिए था, ऊपर का जो एरिया कवर होना चाहिए, और इसमें हम छोटा बच्चा मंगा के, इसको जीरा बच्चा बोलते हैं, उसको मंगा के और इसको 1-1.5 इंची का करके, और या तो अपने तलाव में छोड़ें और या किसी को दे दें जिसका रेट 1-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये तक बिक जाता है, तो बड़ा अच्छा बेनिफिट आता है। तो आपके हम यही सोच रहे हैं कि मार्च के बाद हम इसमें बच्चा पैदा करेंगे यहाँ पे, मतलब हैचरी टाइप चलाएंगे इसको। अच्छा हाँ। आपको कभी लगा नहीं कि अगर आप एक चीज पर ध्यान दे लेते, सिर्फ एक चीज पर, हाँ, तो आज आपका मतलब टाइम भी बहुत बचता और हाँ, एक तरह की प्रॉफिट भी आप कमा लेते? ये भी सही रहता। जी जी ये भी ऐसा है मानने में, अलग अलग चीजें छोटे छोटे पोर्शन, चलो ये तो भाई मन है आपके पास, इन्वेस्ट करने को है, आप कर रहे हो। एक किसान आदमी जिसके पास नहीं है वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता? ना वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए यही कहेंगे भैया, या तो पहले कहीं ट्रेनिंग ले ले अच्छी तरह, उसको समझ में आता है और वो खुद कर सकता है कुछ तो करे, नहीं तो अगर वो सोचता है कि नौकर कर देगा या कोई पड़ोसी कर देगा या अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होएगा नहीं। मैंने बहुत फार्म देखे हैं जो पर्टिकुलर से पोल्ट्री फार्म हो, देसी का हो जाए या फिर ब्रॉयलर का हो जाए, और या फिर गोट फार्म भी देखे हैं मैंने, और अभी हाल ही में एक फिश फार्म भी विजिट किया था हमने, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लोग। प्रॉफिट इसलिए कमा रहे हैं कि उनके पास जो प्रॉफिट स्टार्ट होता है ना, 50-60 बकरी से प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होता है। जी जी। कम से कम 150-200 बकरी हो तो प्रॉफिट स्टार्ट होता है, उसमें खर्चा भी निकल आता है, जो आपकी कोई घाटा होना, मान लो 10% 5% का घाटा ना, उसको भी सहन कर जाओगे आप, और बेनिफिट भी आ जाएगा। नहीं फिर भी जैसे कोई स्टार्टिंग कर रहा है, कम से कर रहा है, जैसे आपने ट्रायल करा, देखो नुकसान हुआ तो छोटा हुआ बड़ा हो सकता था, बड़ा हो सकता, अगर ज्यादा होते तो हाँ। तो शुरुआत के लिए अगर कोई करना चाहे, अपने घर के बेकार कोने में या फिर खाली जगह में करना चाहे, तो उसको क्या सलाह देंगे आप? उसको यही सलाह देंगे कि उसको अपने ऊपर लेके, ये ना कि किसी के ऊपर ले गए, बच्चों के ऊपर ले गए, अपने ऊपर ले गए, उस पर पूरा अच्छा ध्यान दे के एक बार करके देख ले। 10 बकरी कहते हैं, 5 बकरी क्या जो भी है, या मुर्गे हैं, मतलब वो कहने का मतलब हाँ। ये है अपने दम पे करें, अपने दम पे करें, लेबर ना 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 किसी के दम पे ना करें, ना करें। अगर आप खुद कर सकते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है तो आप करें तो कामयाबी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जी जी। काफ़ी लोग हैं जो वीडियो से प्रेरित होते हैं और बिना ट्रेनिंग लिए, बिना उस काम को ढंग से जाने वो शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग शुरू करने वाले उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज यही होगा कि वे एक तो अपने जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी उनकी रिहाइश है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर के एरिए में करें, ना कि 10-20 किलोमीटर के एरिए में करें। वहाँ डेली पर्टिकुलर जा नहीं पाता आदमी, अगर जाता भी है तो इतना नुकसान हो लेता है। कोई डॉक्टर नज़दीक हो उसके अंडर में करें, एक अपने घर से बिल्कुल 0 किलोमीटर पे करें, तो उसे रात दिन रहेगा तो बेनिफिट होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। जी जी। नुकसान कब होता है कि जब आदमी वहाँ समय पे नहीं पहुँचता है। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ में KP चौधरी अंकल, जिन्होंने आपको अपने फार्म के बारे में और अपने लाइफ स्टॉक के बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।